डेढ़ कप बेसन और इसमें मिलाएंगे एक कप आटा गेहूं का, नमक, हम इनको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे प्याज, मीडियम साइज प्याज, इसको हमने बारीक काट लिया है, भुना हुआ जीरा एक छोटा चम्मच, अजवाइन एक छोटा चम्मच, दो हरी मिर्च बारीक कटी हुई, काली मिर्च कुटी हुई आधा छोटा चम्मच, चिली फ्लेक। अब हम इन सबको मिक्स कर लेते हैं। एक चम्मच तेल, इससे हमारा आटा सॉफ्ट गूंदेगा और रोटी अच्छी सॉफ्ट बनेगी। अब इन सबको मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के डो तैयार कर लेते हैं। अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए कवर करके रख देते हैं। अब हम इसकी लोई तैयार कर लेते हैं। अब हम इस पर गेहूं का आटा लगाएंगे थोड़ा थोड़ा और इसको बेल लेंगे। हम एक मीडियम साइज की रोटी तैयार कर लेंगे। तो अच्छे से गर्म हो जाएगा, अब हम इसको इस पर डाल देंगे। जब इसका एक साइड अच्छे से सिक जाएगा तब हम इसको पलट देंगे। अब हम इसको गैस पर इस तरह सेक लेंगे। रोटी दोनों तरफ से अच्छे से सिक गई है। हम इस पर घी भी लगा लेंगे। इसी तरह हम और रोटियां भी बना लेंगे। इसी तरह हम दूसरी रोटी को भी सेक लेंगे। बेसन का पराठा बनकर भी तैयार है। आप चाहें तो रोटी, पराठा कुछ भी बना सकते हैं। अब हम इसको निकाल लेते हैं और गरम गरम सर्व करते हैं। बारिश के मौसम में आप गरम गरम बेसन की रोटी, पराठे बनाकर दही, चटनी, चाय के साथ सर्व कीजिए। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताएं। मेरे चैनल पर नए आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। हम फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट रेसिपी के साथ।